चाय पी लो। ओ सॉरी, आइस आइस खा लो, आइस खा लो। ठीक गिफ्ट किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शेतलीना एंड यू आर वाचिंग शेतलीनास वर्ल्ड। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू अ फन चैलेंज एंड दैट चैलेंज इज आइस चैलेंज। ओ इट इज़ अ फन चैलेंज, तो हम लोगों को कुछ फन करना पड़ेगा। एंड इसके लिए मैंने कुछ आइस यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर ढेर सारा आइस है। एंड ये चैलेंज मैं मेरी बहन के साथ कर रही हूँ। एंड इसमें क्या होगा, दो राउंड्स होंगे एंड जो जीतेगा वो विनर होगा। तो फर्स्ट जो राउंड है उसके लिए हमने लोगों ने जो तय किया है कि मुंह में आइस लेना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट मुझे इसको बहुत ज़ोरों को हंसाना पड़ेगा। एंड ये तभी खाने को शुरू ही हो रही है, भूखी प्यासी तो खा रही है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं भूल गई थी जो बोल रही थी। तो कम टू द पॉइंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आइस मुंह में लेकर मुझे इसको हंसाना पड़ेगा। अगर ये हंस दिया है तो ये हार गई है, मतलब आपको कुछ एक्सप्रेशन, बिना एक्सप्रेशन के आपको आइस मुंह में लेकर बैठे रहना है और ओपोनेंट टीम जो है वो मतलब हंसाने का फुल कोशिश करेंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट राउंड। सो कौन शुरू करेगा फर्स्ट? मी। तो तुम क्या करोगे? मैं पहले मुंह में आइस लूँगी। ओके, मैं हंसाऊँगी। ओके, मैं श्योर नहीं हूँ किस हद तक कर पाऊँगी, लेकिन आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट एंड इसको हंसाने के लिए। एंड ओके, तो आइस मुंह में लेना शुरू कर दो। एंड मुझे यही डर लग रहा है क्योंकि आइस बहुत ज़ोरों से पिघल रहा है इसलिए। एंड जल्दी जल्दी आइस मुंह में ले लो। तीन, चार, चार आइस। बस तीन, तीन, ठीक है, थ्री आइस। ओके, हाँ थ्री में मैंने इसको डन कर दिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि इसके मुंह में जो है फुल ऑफ आइस है। एंड हाउ इज योर फीलिंग, कुछ तो बताओ, क्या 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 हो रहा है तुम्हें, कुछ तकलीफ हो रहा है क्या? ओके, तो इसको अभी बहुत ही ठंडा लग रहा है, तो मैं इसको हंसाने की कोशिश करूँगी। तुम्हें कैमरा में देखना पड़ेगा, जो भी करना है कैमरा में देखकर ऐसे ऐसे जो भी कुछ करना पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ पर गुदगुदी होती है क्या? हाथ तो हटाओ, सब लोगों को दिखना चाहिए ना, मुँह को थोड़ा ऊपर करो। ओके, इसको मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ लेकिन इसको गुदगुदी नहीं हो रही है। एक्चुअली इसको हंसाना बहुत टफ है क्योंकि मैं बहुत जल्दी से हंस देती हूँ लेकिन ये नहीं हंसती है, तो इसलिए। एंड क्या हुआ, कुछ बोलोगे क्या? पंछी, वो देखो पंछी, पंछी देखोगे क्या? थोड़ा सा आया है हंसी क्या? अभी तो हंस दो, नहीं हंसी आई? आशीष संचलानी का लास्ट वीडियो देखा है क्या? तो मेकअप वाला वीडियो था लड़कियों का, फाउंडेशन करके मेकअप कर रही थी। अरे ये तो हंसी नहीं रही है यार, क्या करूँ? तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चूहे हुए हैं क्या? तुम क्या बर्फ मुंह में ही गला लोगी? हंसी, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी हंसी, और ज्यादा हंसना पड़ेगा। मुंह के सामने में लो, सामने में आइस लेना पड़ेगा। ओके, इसका आइस गल रहा है। यू हैव टू टेक वन मोर एंड वन मोर, वन मोर। ये नहीं सह पा रही है तो मैं इसको फिर से हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट बार में थोड़ी सी हंसी है ये, तो बिना एक्सप्रेशन के रहना पड़ेगा। अगर एक्सप्रेशन दे दिया तुमने तो तुम गई। ओके ओके, तो तुम सामने तक, सामने देखो ना, क्यों मुंह कैसे कर कर बैठी हो? कुछ सैडनेस है क्या? क्या है, मेसी हार गई क्या? ओह नो। तो गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेसी इसका हस्बैंड है, मतलब ये मेसी की बहुत बड़ी दीवानी है, बहुत बड़ी फैन है। एक भी मैच अगर हारता है मेसी तो ये रोने बैठने लग जाती है, रोने लग जाती है एंड फ्रंट में देखकर वीडियो को। तो ओके, तुम इसका जो बर्फ है ना, ये आइस मुंह में इसका गल रहा है, इसको गुदगुदी दे रही हूँ मैं थोड़ी सी।
गुदगुदी से कुछ हो रहा है क्या? अरे इसको तो मैं कुछ टॉर्चर ही नहीं कर पा रही हूँ। ओके थोड़ी सी टॉर्चर शुरू कर जाए किया जाए तो मैं अब क्या करूँगी, ये आइस लेके इसके ऊपर से थोड़ी सी ऐसे मसाज करूँगी, देखते हैं कुछ। अरे ये तो बर्फ़ पिघल रहा है, हाथ से पिघल के पर बर्फ से इसको क्या, बर्फ स्लिप करके मतलब ये इतना हट जाता है ना। हंसो यार कुछ तो हंसो, इतनी देर से हंसने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें हंसाने की, थोड़ा तो हंस दो। अरे इसके मुंह का सारा बर्फ गल चुका है। ओके इसके मुंह में मैंने दो नो ये कर दिया है आइस डाल दिया। अच्छा सामने अगर मेसी खड़ा होगा तो तुम क्या करोगे? अच्छा मेसी को इम्प्रेस करने के लिए कितना बड़ा स्माइल दोगे, लाइक ऐसा करके कुछ दोगे? अरे हंस तो दो मेसी की फैन। क्लियरली मैं हार रही हूँ, ये जीत रही है। मेरा भी वक्त आएगा बच्चू, मेरा भी वक्त आएगा। ओके तब देख लूँगी। तो मेसी अगर वहाँ पर खड़ा हुआ है तो तुम क्या करोगी, क्या कहोगे? ओके इसने एक्सप्रेशन दे दिया तो इसका तो पॉइंट वैसे ही माइनस हो गया है, क्योंकि पहले थोड़ा सा हंस दिया है, एक्सप्रेशन दे रही है तो इसको एक्सप्रेशन लेस कर बैठना पड़ेगा। मैंने बोल दिया था कि कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देना, मतलब नहीं दे सकते इस चैलेंज के लिए, सिर्फ आइस को मुँह में लेकर बैठना पड़ेगा। तो इसने एक्सप्रेशन दे दिया एंड ये हार चुकी है, क्योंकि ये आइस को पूरा खा चुकी है एंड बात भी कर लिया है। वो कुछ हो गया है एंड नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ, तो देखते हैं मैं कितनी अच्छी तरह से ये कर पाती हूँ। लेट्स सी कि वो मुझको हंसा पाती है या नहीं। अब इसकी बारी है तो मैं अब इसके मुंह में बर्फ देने वाली हूँ। और एक छोटा सा अब मेरी बारी है, मुझे इसको हंसाना पड़ेगा। अब क्या करूँ मैं तुम्हें हंसाने के लिए? मैं हंसने में और हंसाने में बहुत ही बूढ़ी हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे हंसाऊँ तुम्हें। हाथ हटाओ। अरे ये तो पहले ही हार गई, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मतलब मेरा तो कोई एफर्ट ही नहीं दे। ये तो पहले से ही हार के बैठ। अरे मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी आती है इसको पता है, एंड ये आइस इतना ठंड था कि मैं पहले राउंड में ही हार गई, आउट हो गई। ये कितना ज़्यादा ठंडा है, मैं कर ही नहीं पाई ठीक से। ओके क्लियरली इस राउंड में सी विंस, क्योंकि मैंने सारा आइस फेंक दिया है, इतना ठंडा था तो मैं ले नहीं पाई, मुँह में फेंक दिया, तो सी विंस इन दिस चैलेंज। सो अब विल स्टार्ट सेकेंड आइस चैलेंज। सेकेंड राउंड में क्या होगा, तो सेकेंड राउंड में जिसके मुँह में आइस होगा तो वो दूसरे को कुछ समझाना पड़ेगा, लेकिन इशारों में, वो बात नहीं कर सकते, मुँह में आइस है एंड ऐसे तरह से समझाना पड़ेगा। तब मतलब जो दूसरा पार्टी बैठा है, मतलब दूसरा है, अगर मैं मुंह में आइस ले रही हूँ तो इसको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगर ये बोलती है तो मुझे गेस कर लेती है तो मैं एक पॉइंट मेरा हो जाता है, अगर वो गेस कर लेती है सर ठीक तो वो एक पॉइंट पा जाती है, मतलब वो जीत जाती है चैलेंज। तो आइए हम लोग देखते हैं। ओके तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ, 1-2 ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडा। ये लास्ट 4 आइस है, अभी इशारों में बोलने की कोशिश कर रही हूँ।
लो। वन थम्स अप, गुड लक, मैं एक डायन हूँ। और इसमें हम लोग एक और ट्विस्ट भी ऐड कर रहे हैं कि ये जब तक नहीं ठीक से मतलब पकड़ पाएगी दूसरी टीम, तब तक हम लोगों को जो आइस है वो मुंह में भरना पड़ेगा, इससे बहुत ही टफ होगा। मैं एक टकलू हूँ। सरकू पर क्या है, रानी हूँ। आई विन गाइस, पॉइंट मिल गया क्योंकि तुम्हें दो मुझे एक। ओके, क्योंकि मैंने कहा था आई एम अ क्वीन, मैं एक रानी हूँ, तो उसने ये सही गेस किया है, तो इस राउंड को फर्स्ट पॉइंट मुझे मिल जाता है। मैं दो पॉइंट मुझे मिल गया है, अभी इसकी बारी है कि इसे भी एक पॉइंट दे देते हैं हम लोग, ये सही गेस किया है। पहले राउंड के पॉइंट कितना है? दो दो जीरो। हाँ, तो जो स्कोर बोर्ड है वो है 3-2। ओके, चलो चलो चलो, खा लो। तो आइस के पीसेस थोड़े से छोटे हो गए थे, तो इसलिए ये 6 आइस ले रही है। ओके, स्टार्ट। इंग्लिश आई लव मी, मी यू माई, I love my room, world, house, home, family. I love my family. I love my bed. I love my wall. I love my decoration. अरे ये क्या बोल रही है, इसे कुछ कुछ नहीं पता चल रहा है। ओके, एक और आइस। तो मैं ये गेस नहीं कर पाई हूँ, इसने आंसर बोल दिया है, तो द आंसर इज आई लव माई कंट्री। तो मैं ये चैलेंज हार गई, तो इसके बाद एक और राउंड होगा, क्योंकि सेकंड राउंड में हम लोग दो दो करके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट में मैंने दो पॉइंट लिया था एंड इसका एक पॉइंट हुआ है, एंड फर्स्ट वाले राउंड से इसका दो हुआ था, तो इसका 3, मेरा 2 है। अभी जो स्कोर है इसका 5 है एंड मेरा 2 है, तो क्लियरली मैं हार रही हूँ। तो ओके, मैं थोड़ी सी और बर्फ लेके आती हूँ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू करने जा रही हूँ, तो फिर से मैं मुँह में बर्फ लेती हूँ एंड इस बार बर्फ हिंदी English, Hindi, English, me, I, drink, I drink wine, water, I drink water all around.
आई लव टू ड्रिंक वाटर. पूरा पानी खा जाऊंगी. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 लोकल हो रहा है. वाटर आई ड्रिंक वाटर एवरी डे. मैंने जो कहा था वो था आई ड्रिंक वाटर एवरी डे. तो वो इसने सही गेस कर लिया है. अब इसके 6 एंड मेरी 4. चलो यू मी माई आई हेडफोन ईयरफोन ईयरफोन माइक ear I hear I listen English I love English I love to listen English. इंग्लिश सॉन्ग. तो ओके, तो मैंने ये करेक्ट आंसर दे दिया है. तो इसको 2 पॉइंट और एंड मुझे 1 पॉइंट मिल गया है. तो क्लियर, इस आई चैलेंज की विनर है शिवांगी. तालिया. सो गाइस, आई होप दैट यू गाइस विल लव एंड एंजॉय दिस आई चैलेंज. एंड इफ यू वांट अस टू क्रिएट मोर सच ऑफ चैलेंज देन डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड तुम अभी फेंक सकती हो वो. एंड ओके, ये खा लेगी. इसको खाने बहुत पसंद है आइस. तो मुझे भी पसंद है, लेकिन इतना ठंडा है ना, इसे नहीं खा पा रही थी. तो आई होप दैट यू गाइस विल लव एंड एंजॉय दिस आइस चैलेंज. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वीडियो रिक्वेस्ट, एनी काइंड ऑफ चैलेंज, देन प्लीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल बटन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, गिव दिस वीडियो अ बिग लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. So yeah guys, see you again on another video. Till then, take care, be happy and bye. आइस जो कि बहुत ही ठंडा है. Sing the kick for